हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? माय नेम इज अग्रेसिव डैडी गेमिंग चैनल। तो दोस्तों आज हम खेलने वाले फोर ऑफ क्राफ्ट का पार्ट 3। वाय बुढ़ा, क्या बात कर रहा है, इसके अंदर क्या करना है? हे भैया, इतने भुलक्कड़ कैसे भूल जाते हो? ये गेम हमने पहले भी खेली है और इसका आज हम करने वाले पार्ट 3। वाय बुढ़ा, जब भी लेवल 3 तक हम इसके। हे भैया, सही कहो, जिसके अंदर में बॉब भैया की पैंट बचानी होती है। ढक्कच की मैं 5 लेवल दूंगा तुम्हें किस क्लियर करने के लिए, लेकिन उसको क्लियर कर पाना खाली प्रो बंदे के काम है, तुम जैसे नुबड़ों का नहीं। अरे अभो भैया, तुमने हमें चैलेंज कर दिया। चैलेंज एक्सेप्टेड, अब देख लेना कैसे हम तुम्हें पार करेंगे इन स्टेज को। वाह बुढ़े, सही बोला है, ये बाप नुबड़े को दिखा देते हैं हम कितने तगड़े हैं। हे भैया, तगड़े नहीं, कितने प्रो है प्रो। ये देखो, अपने पास अभी 2 बंदे हैं, तो भैया अपने पास एक मशीन गन मिल गई जिसकी पावर 10 की है, और ये रहा यार भैया वेंड वाला मिल गया ताकि अपनी स्पीड भी बढ़ जाए। अब अपने राफ्ट की देख रहे भैया पावर कितनी, 25 है तो 25 वेपन्स पावर भैया। और ये दुश्मन 17 लेके घूम रहे हैं। नल्लो, अब तुम तो गए काम से। के तुम मेरे ये आर्मी को नहीं तोड़ सकते। अरे यार, तोड़ेंगे भी फोड़ेंगे और उड़ा भी दिया। देखा बा भैया, ढक्कच कभी मैं आऊंगा, रुक जा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे बा भैया, यही हो क्या तुम? वाय बुढ़ा, वो आ गया। ये रहा बाप नुबड़ा, तू गया काम से। हे भैया, अरे बाप रे बाप, भैया का लेवल ज्यादा है, ऐसे निकल लो नहीं तभी अपनी धुलाई पड़ जाएगी। और वाय बुढ़ा, सही बोला, छोटी बच्ची हो क्या? हे भैया, छोटी बच्ची यहाँ पे कोई नहीं है और, लेकिन हमें वहां से बच के निकलना पड़ेगा। और ये पिद्दी को मारते यार, ये तो बड़े पैदी है। पिद्दियों, तुम तो गए काम से, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। फाइनली इनकी तो धुलाई कर दी मैंने भैया, अभी अपने को आगे चलना पड़ेगा। आए मुंडा, आपने को पावर चाहिए ये बॉब नुबड़े की बैंड बजाने के लिए। हे भैया, सही कहा, स्टेज 1 को हमें क्लियर करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ लेवल 1 को। उसके लिए हमें जल्दी जल्दी अपने इसको अपग्रेड करना पड़ेगा भैया, अपने पास 40 वेपन्स की। आए मुंडा, टेंशन मत ले, अभी युक्त फौजियों का दम दिखाऊंगा। ये देख रहा कितनी अधिक अपनी पावर हो चुकी है। भैया, सही कहा, अपनी पावर बढ़ती जा रही धीरे धीरे। फिर बॉब भैया की बैंड बजेगी। भैया, मैग्नेट मिल गया, ले लो मैग्नेट को जल्दी से। आए, मैग्नेट भी लग गया। अपना राफ्ट धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहा मुन्ना, टेंशन मत ले। हे भैया, राफ्ट तो धीरे धीरे पावरफुल हो रहा अपना, और भी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे से बने गए ताकतवर। ये देखो भैया, अपनी राफ्ट है सबसे मजेदार। आए, मजेदार क्या, चल चुप कर जा मुन्ना, तेरा गाना एकदम बकवास था। हे भैया, और वाय मुन्ना, फौजियों की ताकत बढ़ानी पड़ेगी हमें, और फौजियों की जरूरत पड़ेगी। वाय बाप नुड़े, कहाँ छुपक के बैठा, बाहर निकल। अगर तुम दोनों आ गए, अरे आबा भैया खाओ, आओ ये राम हचकच कर दूंगा तुम दोनों की, कहाँ भाग रहे हो? अरे आ भैया, चलो ना लड़ाई करते हैं। वाह मुन्ना, रुक जा, अबे इतनी जल्दी लड़ाई मत कर, लड़ाई का डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया तो मुन्ना बाहर सकते हैं जंग के अंदर। हे भैया, मारो यार, रुक जाओ बा भैया। हे ये ले बाप नुड़े, आप तू गया कहाँ से? आओ ढक्कच के, अरे ये क्या हो गया, सही में मेरा गए खेल खत्म। अरे ओ, फाइनली हमने पहला लेवल तो पार करा यार। आए बुढ़ा, पहला लेवल पार करते हुए, ये देख रहे बहुत मजा आ गया तेरे को। हे यार, सही कहो। ढक्कच के, अभी तुम्हें मैं बताऊंगा, रुक जाओ, तुमने तो मेरे को पहली बार मारा, अभी मेरे को और भी आओ, मैं भी और लेकर आऊंगा अपने राफ्ट को। अरे बाबा भैया, इतना आसान है क्या? लेकिन हम भी इतने धीरे धीरे यार लेवल अप होते जाएंगे, फिर देख ले रहा। वाह बुढ़ा, ये तुम्हारे पास ही स्पॉट हो गया। ए भैया, अरे बाप रे बाप, बाप भैया पावरफुल है, ऐसे निकल लेते जब तक, अभी अपन को और भी लेवल अप करके आना पड़ेगा भैया। वाह मुन्ना, सही बोला, उधर निकलते हैं यहाँ से हटके, नहीं तो अपनी बैंड बच सकती है। ए भैया यार, तो इसे इधर से हटके यार, थोड़ा ढूंढते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, हमें और भी यार आर्मी बॉय की जरूरत पड़ेगी, जितने आर्मी बॉय हमारे पास होंगे उतना ही मजा आएगा यार भैया। नहीं तो तुम दोनों मेरे पास तो, फिर तुम दोनों को बताऊंगा कैसे हिचका करके कहाँ भाग गए। अरे वाह भैया, रुको रुको, अभी हम आएंगे, पहले अपन को लेवल अप कर लेते भैया। मुन्ना, सही जगह मैग्नेट लगा दिया, देख रहा तीनों तरह मैग्नेट हो चुका है, अब खतरनाक कर दिया ना राफ्ट को। हे भैया, सही का राफ्ट अब अपनी कितनी बढ़िया लग रही है यार। ऐसे राफ्ट तो भैया जमाने के अंदर चाहिए थी, और दुश्मनों के ऊपर बैंड बजाएंगे। ये लो, बुढ़ा बाप, तू बच नहीं पाएगा, ये ले। हे यार, क्या धोया यार, वो भैया तुम्हारा खेल खत्म हुआ राफ्ट का, एक और आखिर कर में राफ्ट तुम्हारी उड़ा दी। आओ ढक्कच, तुम ऐसे मारते रहो लेकिन मैं आते रहूंगा। अरे यार, टेंशन मत लो, हम तुम्हारा बेस भी फोड़ डालेंगे चल के, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। आए बड़ा, सही बोला, इसका जब बेस उड़ाएंगे तब इसको पता चलेगा किसने किससे पंगा लिया है।
भैया इसके अबे सुड़े का भैया का तब यार भैया वहा भैया कैसा लगेगा तुमको आओ दिन में सपने देखना बंद कर दो तुम दोनों तुम मेरे बेस को नहीं उड़ा पाओगे। अरे बाबा भैया रुको यार ये देखो पिट्टी पहलवान घूम रहे वाया बुंडा इनको नहीं छोड़ेंगे ये ले अबे जला डालूंगा और भाजी से पंगा लेगा ये मारा बने। हे भैया यार ऊपर देखो और भी पिंडी घूम रहे अरे यार ये क्या तो भैया सबसे फाइट करोगे तुम यार कमजोर हो जाएंगे और ये बात है क्या हे भैया सही कहो जितना फाइट करेंगे उतना हमारे यार फौजी भी तो मरेंगे ना जिसमें हम यार काफी कमजोर हो सकते हैं डायरेक्ट हमें बॉस से फाइट करनी चाहिए मतलब कि बाप भैया से आए बूढ़ा ये जगह कितना मैग्नेट लगा दिया अब इतना सारा मैग्नेट लगा दिया अब ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ए और वो देखो बाप भैया के पास वेपन पावर ज्यादा है भैया अभी नहीं फाइट करना चाहिए आए बूढ़ा तो सही बोला थोड़ा टाइम दे के लड़ते हैं कहीं हम भी ना ढेर हो जाए इसलिए हमें यार और भी टाइम देना पड़ेगा। आ ये क्या था तुम दोनों अरे बाप भैया तुम्हें लग रहा है कि तुम हमें मार पा गए तुमने गलत पंगा ले लिया हमसे आखिरकार मुझे चखा दिया ना आए बूढ़ा सही बोला मजे चखा दिया बाप नुड़े अब बोल क्या बोलेगा आओ ढाकच के ज्यादा हीरो मत बनो अभी मैं फिर से आऊंगा। अरे अब भैया आओ ना आओ मैं तो तुम्हारा स्वागत में अपनी बंदूक रेडी करके खड़ा हूँ वाह बड़ा अपना राफ्ट पावरफुल हो चुका है इस आइलैंड पे इस समुद्र पे अपना राज है। ए भैया सही कहो इस समुद्र पे अपना राज हो चुका है कोई भी हमें नहीं हरा सकता आओ ढाकच कभी मैं आ रहा तुम दोनों का राज निकालने की बार मैं राज निकालूंगा। अरे अब भैया कहाँ पर हो वाह बड़ा बाप नुबड़ा आ चुका है हमें जल्द जल्द से उसको लेवल अप करना पड़ेगा इससे पहले वो हमें मार दे आप उसको मारेंगे। ए और भैया चलो देख के आते हैं भैया लेवल अप कितना है अरे बाप रे वाह भैया ज्यादा ही लेवल अप है निकल यहाँ से वाह मुंडा 161 उसकी वेपन पावर है बाप की अबे हमें फाइट नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे। हे भैया ये बात तो तुमने सही कही फाइट करना बेकार है यार अरे यार ये वाली राफ्ट पे देख रहा हूँ खाली यार मशीन ही लगी थी हमने इसको उड़ा दिया और ले लिया कब्जे में अरे एक और आ गया वाह बुढ़ा लड़ाई कर करके देरा अपने कितनी पावर कम हो चुकी है कहाँ कब 167 पे थे आए मना करा था लड़ाई मत कर। ए भैया वो सामने आ गए तब क्या कर सकते उनको छोड़ेंगे भी नहीं तो अरे यार अपनी यार हेल्थ भी कम हो गई अपनी पावर भी यार वेपन पावर भी कमजोर हो चुके हैं यार अभी हमें टाइम लगेगा भैया दोबारा से गेन करने के अंदर वाह बुढ़ा तो गेन करना टेंशन किस बात की है वेट करेंगे और इसको बाप नुबड़े को फिर धोएंगे। ए भैया उसे कहे बाप भैया को धोने के लिए ये पिंडी पहलवान आ गया और कितना बीच बीच में अलग बार बार टका जा रहे हैं ये पिंडी पहलवान तो बिल्कुल भी नहीं टिके। अब भैया मैं तो सोचा चल के फाइट लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं अपने पास भैया हेल्थ भी ज्यादा है और वेपन पावर भी ज्यादा है अब बाप भैया की हम मजेदार तरीके से धुलाई लगा सकते हैं और बुढ़ा तू सही बोला और बाप का राफ्ट कितना छोटा लग रहा है आओ छोटा है लेकिन बहुत खोटा है तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप भैया इधर आओ ना कहा जा रहे छोटी बच्ची हो क्या हो आओ मेरे को बच्ची बोलना बंद कर दे नहीं तो तेरी हिचकिचका कर दूंगा। अरे आओ छोटी बच्ची हो क्या हो इधर आओ ना डर के माले भागते हो ओए बाप इधर आ तेरे को तब पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया ओबे कहाँ जा रहा है हे और वो रुक गए जल्दी से मारो यार ओए बाप रुड़े तेरा खेल खत्म आखिरकार तेरी पैंट तो मैंने बजा दी अब कैसा लग रहा है तू पिटाई लेकर। हे भैया क्या बढ़िया धोया यार मुझे आ गया देख कर इतना मस्त धोने का और यार मस्त तरीके से पिटाई देने का ओए बड़ा ओए लास्ट वाला आ चुका है ये लास्ट वाले के अंदर सिकंदर और बंदर बना देंगे इसके बेस समेत इसको फोड़ डालेंगे। हे भैया भैया का बेस फोड़ेंगे अब मजा यहाँ का जहाँ से बार बार लेकर आ रहे थे ये स्टेज क्लियर करने के लिए हमें बेस को उड़ाने पड़ेगा यार बड़ा ये बेस नहीं बचना चाहिए किसी भी कीमत पे ये बेस अगर बच गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हे भैया नहीं होगी बेइज्जती देख ले रहा चलो यार उड़ाते इनका बेस सही बोला रुक जा बुढ़ा रुक जा तू ठंड रख ये गया अब अपनी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है राफ्ट की कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे टिक नहीं सकता ये दुश्मन गया। हे भैया उसे कहो यार दुश्मन अब तो बिल्कुल भी टिकने वाले नहीं है अब नल्ले कहेंगे बाप तेरा बेस एक तो मैं उड़ा दिया अभी एक बाकी है ये कैसे उड़ेगा अबे उसको डिफेंड कर रहा है शील्ड दे रहा है। हे दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो राफ्ट वाली तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसका पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 4 यार लिख दो हम इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे और सामने वाले दुश्मनों के बैंड बजाएंगे। वाह बुढ़ा सही बोला दुश्मन की तो बैंड बज कर आएगी आखिरकार बाप लुड़े तेरा खेल खत्म कर दिया हमने
कैसा लगा तेरे को? हे आबा भैया, कैसा लगा तुम्हारे यहाँ बैंड बजा के? मत मजा है, हमें तो मार के तुम्हें। इसके बाद और भी धोएंगे और फिर और भी पता चल जाएगा फिर क्या हो जाएगा। और बुढ़ा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है। हे भैया, बोनस लेवल अपने को मिल गया, मजा ही आ गया बोनस लेवल के अंदर। बोनस लेवल इतना धासु क्या बताओ बुढ़ा। बोनस लेवल खेलने का हो तो दोस्तों पार्ट 4 कमेंट कर देने का नीचे, फिर इसका पार्ट 4 भी लेकर आएंगे। फिर मजा आएगा। बड़े सही बोला है। सही बाय बाय।